मैंने सबके रूम्स बुक करवा दिए हैं। आप लोग अपनी अपनी कीज लेकर अपने अपने रूम में जाओ। आप लोग थोड़ा रेस्ट करके फिर मीटिंग हॉल में आ जाना, ओके? मैं वहाँ वेट करूँगा सबका। बाकी की डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ओके? अभी जाओ, आप लोग आराम करो, फ्रेश हो जाओ थोड़ा। ओह माय गॉड, ही इज सो हैंडसम। तो आप लोग फ्रेश होकर नीचे आ जाना, ओके? ओके, तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जिमिन, उन लड़कियों को देखो ना, सर को कैसे ताड़ दिए हैं। तो ताड़ने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? सर इतने हैंडसम है तो लोग कैसे ना देखे उन्हें। उछलना बंद करो वरना तुम्हारी जॉब जाएगी। पर तू देख तो एक बार कितने हैंडसम है वो यार। भाई चलो चलते हैं। तभी वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। ओह माय गॉड, वो तो जा रहे हैं, देखो कितने हैंडसम है वो। ये फोन तो शायद उनका है ना, वो यहाँ छोड़ के चले गए, किसे दे अब हम? देखो हम उन्हें दे देते हैं, वो उनके साथ ही आई थी। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ यस, बोलिए क्या हुआ? वी, तुम उनसे बात करके आओ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, ओके? तभी जिमिन भी वहाँ से चली जाती है। मैम, जो आपके साथ आए थे ना, उनका फोन छूट गया। फोन पर किसका? मैम वो जो बहुत सुंदर से थे, एकदम स्मार्ट। ओ, तो तुम जंगकुक सर की बात कर रही हो, है ना? तो मैम क्या आप ये फोन उनके रूम में पहुँचा देंगी प्लीज, क्योंकि हम अपना काम छोड़ के नहीं जा सकते। अगर जा सकती होती तो मैं कब का चली जाती उनके पास। फोन इधर दो और अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? ना कि किसी और पर, अपने काम पे ध्यान दो। अगर ऐसे करोगी ना तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ओके? वी तभी वहाँ से चली जाती है। ओ गॉड, क्या मुझे सच में सर के रूम में जाना पड़ेगा? ओ नो, ये किसका कॉल है? क्या मैं रिसीव करूँ? कर लेते वरना कट जाएगा। अगर सर का कोई इम्पोर्टेंट कॉल हुआ तो क्या करूँ? उठा लो क्या? उठा लेती हूँ। हेलो जंकुक, जंकुक क्या तुमने खाना खाया? हाँ, क्या तुम आराम से पहुँच गए? बेटे चुप क्यों, बोलो ना। सॉरी मैम, बट मैं जंकुक सर नहीं हूँ। तो कौन हो तुम? तुम्हारे पास जंकुक का फोन क्यों है? बेटे क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? आई एम सॉरी मैम, बट आप गलत समझ रही हैं। मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बस उनके ऑफिस की एक एम्प्लॉय हूँ। आई एम सॉरी बेटा, क्या तुम जंकुक को फोन दे दोगी? हाँ आंटी, ऑफ कोर्स, मैं अभी उनके रूम में ही जा रही थी उनका फोन देने, क्योंकि सर का फोन मेरे पास ही रह गया था इसीलिए। एक सेकेंड, आप होल्ड करो। ओके बेटा, थैंक यू। नो नो, थैंक यू मत बोलो आप, मुझे तो फोन वैसे भी देना था। थैंक यू बेटा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी वॉइस तो बहुत ही स्वीट है, लगता है तुम भी बहुत स्वीट हो। थैंक यू। वैसे मेरा नाम वी है। मुझे लगता है जंकुक सर की मॉम है। हेलो बेटा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? वैसे मैं एक बात पूछना चाहती थी आपसे। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ वो बात? हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है? वैसे क्या आप जंकुक सर की मॉम हो? हेलो हेलो, और लगता है फोन कट गया। अरे मैं तो सर के रूम के बाहर आ गई। ओह नो सर, क्या आप अंदर हो? प्लीज गेट खोल दो। तभी जंकुक गेट खोल देता है। जंकुक शावर लेकर अभी अभी निकला था, तो वी उसे ऐसे देख लेती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, ओह गॉड सर, ओह माय गॉड, क्या हुआ तुम्हें, क्या हो गया? अब ऐसे आंखें क्यों बंद कर ली? ओह नो सर, आप ऐसे कैसे रह सकते अपने रूम में? अभी अभी जाओ, कपड़े पहन के आओ, तभी मैं अपनी आंखें खोलूंगी। पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ आई क्यों, काम बताओ अपना। और हाँ, मैं ऐसे रहता हूँ अपने घर पर भी। सर वो आपका घर है पर ये होटल है, ऐसा कौन करता है? प्लीज जाके कपड़े पहन के आओ, जल्दी बताओ काम क्या है, मैं तुम्हारी यहाँ बकवास नहीं सुन रहा। वो आपका फोन रिसेप्शन पे रह गया था इसलिए मैं आपको लौटाने आई थी, पर मुझे नहीं पता था ये सब देखने को मिलेगा। और हाँ सर, प्लीज अपने कपड़े पहनो, ओके? मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या मेरा फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हाँ बोलो। जंकुक स्लोली स्लोली वी के क्लोज जाने लग जाता है। बोलो आखिर मेरा फोन तुम्हारे पास कर क्या रहा है? प्लीज देखो सर, आप दूर हो जाओ, मैं तभी बताऊंगी आपको। प्लीज सर, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? प्लीज दूर हो जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। सर आई एम सॉरी, मैंने आपका फोन ले लिया, प्लीज 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 मुझसे दूर हो जाओ। चलो अब दो मुझे। क्या कहा आपने? देखो सर, मैं उस टाइप की गर्ल नहीं हूँ, ठीक है? मैंने कहा फोन दो मेरा। क्या फोन? ये लो आपका फोन। क्या इस पे किसी का कॉल आया था? हाँ आया था। मैं चलती हूँ, आप कॉल बैक कर लेना। ठीक है तुम जाओ। क्या डैड का कॉल? ओह गॉड, मैं ये सब क्या सोचने लग गई थी, मैंने सर को गलत समझ लिया। ओह माय गॉड, ओह नो, मैंने सर के सामने कितना कुछ कह दिया। ओह माय गॉड, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तभी वी वहाँ से चली जाती है। क्या डैड का कॉल क्यों आया था? एक बार कॉल बैक करके देखता हूँ। हेलो बेटा, तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना तुम? क्या तुम आराम से पहुंच गए? यस डैड, मैं आराम से पहुंच गया। क्या आप ठीक हो? क्या आपकी तबीयत ठीक है? आपने फोन क्यों किया था? क्या कोई जरूरत है मेरी? बोलो, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि तुम आराम से पहुंच गए कि नहीं। वैसे बेटा क्या तुम अपनी मॉम से बात करना चाहोगे? बहुत परेशान है तुम्हारे लिए बेटा। आई एम सॉरी डैड, बट मुझे बहुत सारा काम है तो मैं नहीं बात कर सकता, बाय। बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो वो तुम्हारी मॉम है, प्लीज एक बार तो उनसे बात कर लो। ठीक है,
दो फोन। हेलो बेटा, क्या तुम ठीक हो? तुमने खाना वाना खाया? क्या तुम आराम से पहुंचे? हाँ, मैं आराम से पहुंच गया हूँ और आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे पास बहुत काम है तो मैं फोन रखता हूँ। ओके बाय। पर जंकुक बेटा, मेरी बात तो सुनो एक बार प्लीज। आई एम सॉरी, मेरे पास बहुत सारा काम है तो मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। सो बाय। क्या तुमने मेरा फोन कट कर दिया जंकुक? अरे मैं बहुत बुरी मदर हूँ ना, कब समझेगा जंकुक मेरी बातों को? देखो जिन, तुम परेशान मत हो, वो एक ना एक दिन जरूर समझेगा। होगा सब। वी अपने रूम में आ जाती है और वी अपना रूम देखकर बहुत शॉक्ड होती है। जिमिन, ये सब क्या है? तुम अभी तक आराम कर रही हो? तुम अभी तक फ्रेश होने नहीं गई? हाँ वो वी, मैं बहुत थक गई थी। चलो उठो, तुमने बहुत आराम कर लिया, चलो जाओ फ्रेश हो। पर थोड़ी देर और रुक जाओ ना। नहीं बस, तुमने ऑलरेडी बहुत आराम कर लिया, चलो उठो अब। और वी जिमिन को फ्रेश होने के लिए भेज देती है। अदर साइड जे होप जिमिन के बारे में सोच रहा होता है। क्या मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? ओह नो, तुम्हारी ये आंखें बहुत सुंदर है जिमिन। ओहो जिमिन, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। मुझे तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए कि जिमिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत बहुत। ओहो जिमिन, तुम कितना टाइम लगाते हो नहाने में? कहा मैंने ज्यादा टाइम लगाया, बस आधा ही घंटा तो लगाया है। जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ अब। देखो जिमिन, अगर तुम बाहर जाओगी तो डोर लॉक करके जाना। वी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम जाओ, मैं यहीं हूँ, तुम आराम से फ्रेश होके आओ। नहीं, मुझे पता है तुम यहीं पर हो, लेकिन अगर तुम बाहर जाओ तो प्लीज डोर क्लोज कर देना। वैसे मैं कहीं जाने तो नहीं वाली, पर ओके तुम जाओ आराम से फ्रेश हो, मैं यहीं पर हूँ। देखो कहीं जाना मत, ओके? और जाना भी तो डोर क्लोज करके जाना, ओके? क्योंकि कोई भी रूम में आ सकता है। अब तुम जाती हो या नहीं? हाँ नहीं, जा रही हूँ। ऐसे भी चिल्ला रही हो? पर देखो, जाना तो डोर जरूर क्लोज कर देना, ओके? बस बहुत हो गया, अब तुम जा रही हो या नहीं? तभी भी फ्रेश होने चली जाती है और तभी जीसू आते हैं जिमिन को बुलाने। हे जिमिन, चलो। पर कहाँ जीसू, कहाँ जाना है? जिमिन तुम भूल गई क्या? मीटिंग में जाना है जिमिन। ओह हाँ, शिट यार, मैं कैसे भूल गई। तो चलो अब जल्दी चलो। हाँ रुको एक सेकंड, मैं अपना फोन ले लूँ। चलो एक मिनट, वी का क्या होगा? जल्दी चलो, वी आ जाएगी अपने आप। जीसू जिमिन को खींच कर ले जाती है और जिमिन जल्दी जल्दी में डोर लॉक करना भूल जाती है। कुछ देर बाद वी बाथरूम के अंदर से बोलती है, जिमिन तुम रूम में ही हो ना, कहीं गई तो नहीं? जिमिन तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ पक्का सो गई होगी ये। जिमिन तुम कहीं गई तो नहीं, बोलो ना। देखो मुझे अकेला छोड़ के मत जाना प्लीज, ये लड़की कुछ बोल नहीं रही है, मैं एक बार बाहर देख कर आती हूँ गई कहाँ, रूम में है भी या नहीं। तभी वी बाथरूम से बाहर आ जाती है। जिमिन तुम यही हो ना रूम में? मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, ये तो नहीं है रूम में, कहाँ गई? तभी जंकू वी के रूम के पास से गुजर रहा होता है। वी का रूम का डोर अनलॉक होने के वजह से जंकू अंदर देख लेता है। जिमिन वी ने डोर भी अनलॉक छोड़ दिया। ओ नो सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। क्या? तभी वी भाग के अपना डोर लॉक कर देती है और रूम के अंदर से कहती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको किसने कहा यहाँ आने के लिए? क्या मैं? तुम्हें पता होना चाहिए ना डोर लॉक करके रखना चाहिए। आप जाओ ना यहाँ से, आप यहाँ क्या कर रहे हो? I'm really sorry, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, अपनी मीटिंग में जा रहा था, मैंने तुम्हें ऐसे देख लिया, I'm sorry। आपको पता होना चाहिए ना ऐसे किसी के रूम के सामने नहीं आते। I'm sorry, मैं चलता हूँ। क्या सर चले गए? क्या मैं डोर अनलॉक करूँ अब? देखो मीटिंग में जल्दी आ जाना, ओके? आप अभी तक कहीं नहीं, जाओ यहाँ से जल्दी प्लीज। हाँ हाँ वो बस मैं तुम्हें यहाँ बताने के लिए रुका था। जंकुक वहां से चला जाता है। ओ गॉड, ये सब क्या हो गया? सर ने मुझे इस हालत में देख लिया, अब मैं नीचे मीटिंग में कैसे जाऊंगी? मुझे बहुत शर्म आ रही है, बट जाना तो पड़ेगा, अब मैं मीटिंग थोड़ा छोड़ सकती हूँ। जल्दी से फटाफट जाके रेडी हो जाती हूँ। मैं ही बेवकूफ हूँ, ऐसे निकल गई बाथरूम से, देख कर निकलना चाहिए था। इस जमीन को तो मैं नहीं छोड़ने वाली, मैंने इसे इतनी बार कहा था कि डोर को लॉक कर दियो, लॉक कर दियो, फिर भी इसने नहीं किया। और वी रेडी होने के लिए चली जाती है। अदर साइड जैसे ही जमीन मीटिंग में आती है, जेहोप और शुगा उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ओ नो जमीन, सच अ ब्यूटीफुल एंजल, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ओ गॉड। हेलो सर, क्या मीटिंग स्टार्ट हो गई? नहीं नहीं अभी नहीं हुई है, अभी क्लाइंट्स नहीं आए। ओके तो मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हेलो जिमिन, तुम कहाँ जा रही हो?
सर मैं कॉफी लेने जा रही थी, मैं अभी आती हूँ। मैं तुमसे कैसे कहूँ अब? क्या हुआ सर, आप ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? वो मीटिंग स्टार्ट होने वाली, तो थोड़ा जल्दी आ जाना। ओके ओके ठीक है, तो मैं चलती हूँ। प्लीज जिमिन, जाने से पहले एक बार मुड़ के देख लो मुझे। अगर तुमने मुझे मुड़ के देख लिया तो मुझे कहीं वो तो नहीं हुआ जो मैं सोच रहा हूँ। ओह माय गॉड, तुमने मुझे देखा, मैं बहुत खुश हूँ। लगता है मुझे वही हुआ है जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे तुमसे लगते प्यार हो गया है। आई थिंक सारे मीटिंग हॉल में आ गए हैं, है ना? हाँ सर, पर वी रह गई। हाँ जिमिन, तुम ठीक कह रहे हो, वी कहाँ है? आ गई मैं। क्या मुझे लेट हो गया क्या ज़्यादा? ये आ गई मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? ओह नो, सर को मैं फेस कैसे करूंगी? सर क्लाइंट्स तो आए नहीं, मीटिंग कब स्टार्ट होगी? वो सब बस आने वाले होंगे। सर लगता है वो लोग आ गए। ओह नो, कितनी गर्मी है। यू मिस्टर शुगा, आई एम राइट? Yes, you are right. I'm Suga, and he's my brother, Jungkook. Oh, hello, Mr. Jungkook. Let's start meeting. So, ये project कौन discuss करेगा? हमारे office की one of the best employee, V देंगी इसका presentation, क्योंकि ये उन्हीं का idea है. Oh, hello V, start करो. Hello ma'am, ये जो idea है इसमें मैंने काफी मेहनत की है, और मैं इसे अपने point of view से देखूं, तो शायद ठीक है। अगर आपको अगर ये अच्छा लगे तभी आप इसे फाइनल करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का लॉस हो मेरी वजह से। आप अपने प्रॉफिट को छोड़ के हमारे लॉस के बारे में सोच रहे हो, ये काफी अच्छी बात है। तो मैम मैं आपको अपना आइडिया बताती हूँ। इसी तरह कुछ देर तक मीटिंग चलती है। वो मैंने आपके आइडियाज सुने, काफी अच्छे आइडियाज हैं आपके पास। सो मैं इसका रिजल्ट आपको बाद में बता सकती हूँ, अभी मुझे जाना है। मिस्टर जंगजंगकुक, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। नो नो सर, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। नो नो थैंक यू, आपने हमें इतना टाइम दिया। एंड वी, तुम बहुत अच्छी हो। ओके तो मैं चलती हूँ। मीटिंग ओवर हो जाती है और सारे क्लाइंट चले जाते हैं। Hey, तुम लोग चलो ना किसी कैफेटेरिया में चलते हैं। हाँ नाइस आइडिया, चलो चलते हैं, थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा। हाँ चलो चलते हैं। रुको, पहले जेहब सर को बुला ले और शुगर सर को भी। क्या उन्हें भी बुलाना है? ओके ठीक है, उन्हें भी बुला लो। सर से पूछ के आते हैं, क्या चलेंगे वो हमारे साथ। एक सेकंड, मैं पहले वी से तो पूछ लूँ। वी क्या तुम हमारे साथ चलोगी? सर क्या आप भी चलोगे हमारे साथ? देखो मैं अभी नहीं आ रहा, आप लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगा। चलो जिमिन चलते हैं, मैं आ रही हूँ। ओके चलो वी चलते हैं। देखो वी कहीं नहीं जाएगी, मुझे वी से बहुत जरूरी बात करनी है। वी तुम बाद में चली जाना, पहले रुको। क्या हुआ सर, मुझसे क्या कोई गलती हो गई है क्या? आप सब लोग यहाँ से जाओ, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके सर तो हम लोग चलते हैं। ओके वी मैं चलती, तुम बाद में आ जाना। पर जिमिन कुछ नहीं होगा वी, आ जाना। ओके सर आप क्यों नहीं हमारे साथ चलते हो, प्लीज चलो ना प्लीज। देखो मैं नहीं जाता, आप लोग जाओ। जिमिन एक बार तुम बोलो ना प्लीज। प्लीज सर चलो ना अभी हमारे साथ। और वहाँ से सारे कैफेटेरिया चले जाते हैं और रूम में सिर्फ वी और जंगकुक होते हैं। क्या हुआ सर, आपने मुझे यहाँ क्यों रोका है? वो मुझे तुम्हें आज सुबह के लिए सॉरी बोलना था। सॉरी पर क्यों, किस बात के लिए? वो जो मैं आज सुबह तुम्हारे रूम के बाहर आ गया था। इट्स ओके सर, मैं भूल गई इस बात को। आई एम सॉरी बट मेरा ये सब कोई इरादा नहीं था तुम्हें ऐसे देखने का। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने आपको डांटा। नहीं नहीं तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। आई एम रियली सॉरी सर, मैं भी आपके रूम में आ गई थी। इट्स ओके कोई बात नहीं, अब तुम जा सकती हो। क्या मैं सर से पूछूं कैफे जाने के लिए, क्या वो मेरे साथ जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पूछ लूँ क्या? पूछ ही लेती हूँ, काम करती हूँ। सर क्या तुम चलोगे कैफेटेरिया, चल रही हो? हाँ क्या, हाँ सर चलो मैं भी चल रही हूँ, चलो चलो। क्या तुम थोड़ा वेट करोगी, मुझे अभी थोड़ा लैपटॉप पे काम है। हाँ हाँ सर आप अपना काम करो, मैं वेट करती हूँ आपका। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सही है बस। ओके सर, जब तक मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। वी बैठने जा रही होती है तभी उसका चेयर में पैर फंस जाता है और वो गिर जाती है। पढ़ती रहती हूँ है ना, छोड़ो एक काम करो, चलो चलते कैफे।
आई एम रियली सॉरी सर, पता नहीं कैसे मेरा पैर फंस गया और मैं गिर गई।